आप सबका गोपाला जी का नमन। देखिए, कभी आप ड्राइव पर निकलें तो सड़क के किनारे कभी कभी इस टाइप के फल आपको ज़रूर देखने को मिले होंगे। हम इग्नोर कर लेते हैं, जानते नहीं, मगर ये भारत में मिलने वाला ये वाला फल, अगर आप इसके गुण जानेंगे, इसके बेनिफिट जानेंगे, आप ताज्जुब करेंगे कि इतने सारे गुण इसके अंदर छुपे हुए हैं। इसके शब्द अगर आप नेट में तलाश करेंगे, हो सकता है इसके स्पेलिंग्स में कहीं डिफरेंस दिखाई दे आपको, मगर मोर और लेस आपको मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाएगा और बहुतायत में मिल जाएगा। ये साइट्रस खट्टा मीठा फल, हरे रंग का होता है, फिर पीला हो जाता है, इसका पल्प देखेंगे आप रेड कलर का होता है। वेट में अगर आप देखें तो भारी होता है बहुत, यानी कि 2 किलो से भी ज़्यादा वज़न तक के ये मिलते हैं, भारी भारी मिलते हैं खूब सारे। ये इसकी मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊं आपको, तब आपके समझ में आएगा कि क्यों इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। देखिए, ये पोटेशियम है इसके अंदर, इसके अंदर वसा है, फाइब्रस है, ये फॉस्फेट्स हैं इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन ए रिच है, विटामिन बी रिच है, विटामिन सी रिच है, सॉल्ट हैं इसके अंदर, मिनरल्स हैं इसके अंदर। इसीलिए ये माना जाता है कि इसको अगर लिया जाए, अब देखिए लिए जाने के भी बहुत सारे तरीके हैं इसको। बहुत सारे लोग तो आप देखेंगे कि जो चाट के शौकीन होते हैं ना, वो चाट की तरह इसको खा लेते हैं, इसका पल्प निकाला, उसमें अपने नमक मिर्च डाला और चाट की तरह खा लिया। मगर इसकी अगर मेडिसिनल वैल्यू लेनी है ना, तो फिर इसको तरीके से लिया जाता है, इसका रस निकालते हैं, इसका शरबत बनाते हैं, जूस बनाते हैं, और फिर इसको उस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इनके सर्टेन डोज होती हैं, इनके सर्टेन तरीके होते हैं, और किस तरह लेना है, कैसे लेना है, किस मात्रा में लेना है, अगर इसकी मेडिसिनल वैल्यू आप तलाश करने जाएंगे ना, तब फिर देखिए, मैं बार बार अलार्म करता हूँ कि अपना सेल्फ मेडिकेशन हमेशा इंजूरियस हो सकता है। तो अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें आप कि इसको हम लें तो किस तरीके से लें, क्योंकि जो इसके लाभ बता रहा हूँ ना मैं, उससे ज़्यादा इसकी हानि भी हो सकती है। इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि लें, किसी मेडिसिन के साथ लें। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, देखिए आपको इसके किस किस रोग में आप देखिए इसको निदान के इसके आपको मिल सकते हैं, अगर आप इसके इसकी मेडिसिनल वैल्यू में जाते हैं। देखिए, स्टोमक डिसऑर्डर्स के लिए बड़ा अच्छा है ये। स्टोमक डिसऑर्डर्स में कैसी भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, है ना, उसमें लूज़ मोशंस हो रहे हैं, आपको डिसेंट्री हो रही हो, आपको एपेटाइज़र बहुत अच्छा है ये। ये लेंगे इसको तरीके से, भूख बढ़ाता है ये, और गुड कोलेस्ट्रॉल है ये, इसको ब्लड को बड़ा एक प्योरीफाई करने के लिए ये बहुत अच्छा है। मगर वही बार बार कह रहा हूँ कि लेने का इसका तरीका हर बीमारी में अलग अलग तरीके से। लिवरिश प्रॉब्लम है आपकी, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं आपके, इनकी फंक्शनिंग को टोन अप करता है, लीवर के फंक्शन को टोन अप करता है, किडनी के फंक्शन को टोन अप करता है। इसीलिए जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, यूरिनरी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए बड़ा अच्छा है ये। गम्स के लिए बड़ा अच्छा है। देखिए, दांतों की जितनी बीमारी होती है ना, बेस तो गम्स ही है ना हमारे, तो अगर गम्स हमारे बीमार हो गए तो दांतों की बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो गम्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर गम्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए, मसूड़े आपके सशक्त हो गए, तो फिर दांतों की रोगों की संभावना बहुत कम हो जाती है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम, अगर नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करता है। देखिए, शरीर में पेंस के लिए, अगर मान लीजिए हड्डियों में दर्द है, गाउट है, अर्थराइटिस है, ऑडिमा है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। विशेष रूप से आप देखें कि एक सर्टेन एज के बाद में, या किसी बीमारी के कारण, या एज से पहले ही बहुत सारे लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, शेकिंग करने लगते हैं, उंगलियां कांपने लगती हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा है। अगर उंगलियां कांपने लगती हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा है। आइस के लिए बड़ा अच्छा है, विज़न के लिए, विज़न को ये प्रॉपर करने के लिए, और अगर रूटीन में तरीके से लिया जाए तो फिर हो सकता है कि चश्मे की भी ज़रूरत ना पड़े, मगर वो सब चीज़ें बहुत बात की चीज़ें हैं, किस तरह लेना है। देखिए, इसका एक अच्छा प्रभाव देखा गया स्किन के लिए, जो ईचिंग है स्किन में, या कोई स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, स्किन के बहुत सारे ड्राइनेस आ जाती है लोगों की स्किन में, तो वो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा इसलिए काम करेगा, स्किन को ग्लो देता है, फेस का जो नेचुरल ग्लो है वो देता है, जो कॉस्मेटिक्स के कारण बहुत सारे लोगों के ख़राब होने लगते हैं चेहरे। अगर इसको रूटीन में तरीके से लिया जाए तो चेहरे के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। खांसी में काम आता है ये, खट्टा है, मीठा है, मगर खांसी में काम आता है। अस्थमिक रेस्पिरेटरी चैनल डिफेक्ट्स हैं, वहाँ पर बड़ा अच्छा काम करता है ये। कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई वायरल के कारण टेम्परेचर हो रहा है, बुखार हो रहा है, वहाँ पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। डायबिटीज़ में देखा गया कि डायबिटीज़ में जो मधुमेह है, वहाँ पे बड़ा अच्छा काम करता है। इतने सारे चीज़ों का आपको निदान मिलता है इस
एक फल से लेने का तरीका मैंने बता ही दिया, मगर देखिए इसको सबसे ज़्यादा इंजूरियस क्यों है ये, जिनको जिनके बहुत सेंसिटिव हैं बहुत से लोग, थ्रोट जिनका बहुत सेंसिटिव है, तो ये थ्रोट सोरिंग कर सकता है, गले में खराशें पैदा कर सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम है वहाँ नुकसान कर सकता है, और सबसे ज़्यादा इंजूरियस, सबसे ज़्यादा डेंजरस ये वहाँ हो सकता है जहाँ पे आप किसी रोग के कारण कोई मेडिसिन ले रहे हैं, और मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तब ये क्या करता है कि जो मेडिसिन में रसायन है उन रसायन को मिला को ये इसके जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिलके ऐसे रसायन यौगिक बनाते हैं जो बहुत इंजूरियस हो सकते हैं। हम तो दवा ले रहे हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, आपको किसी ने बताया कि इसमें इतने सारे गुण हैं और आपने चकोतरा लेना शुरू कर दिया और पता चला कि उसके जो आपके जो उसके पॉइजनस जो उसके रसायन बनने लगे वो आपको और डैमेज करने लगे, तो बहुत से रिस्की भी है ये। अलग अलग अगर आप नेट में तलाश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। देखिए जो गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस देने का जो मोटिव होता है ना, वो इसलिए होता है कि अपनी नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए दे रहे हैं, और टेम्पटेशन पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर कि जो गुप्त सुप्त और लुप्त चीज़ें हैं इनसे लोगों को अवेयरनेस हो, पता चले इनके गुणधर्म के बारे में, इनके क्या लाभ हैं, इनके क्या हानि हैं। और देखिए ये अगर मैं बार बार अलार्म करता हूँ कि जो सेल्फ मेडिकेशन है हमेशा इंजूरियस होता है, मैं डिस्क्लेमर में बार बार देता हूँ कभी भी अपना डॉक्टर अपने आप नहीं बने, अगर कोई मेडिकेशन कर रहे हैं आप तो डॉक्टर की अपने फिजिशियन एक्सपर्ट की ज़रूर सलाह लें। ये जो मुझे वीडियो दिया है ये मेरे परम मित्र हैं रमन भटनागर जी देहरादून से, मेरे सहयोगी मेरे स्नेही, मुझे इस टाइप की चीज़ों से फीडअप करते रहते हैं, फीडअप बैक ये इस टाइप की चीज़ों से मुझे टेम्पटेशन देते रहते हैं कि इसके इसको प्रमोट कीजिए। और बस एक रिक्वेस्ट कि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी। रमन मेरे भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके वीडियो उपलब्ध कराए चकोतरा के ट्री के।